उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके के एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर पीड़ित पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र देने आए पिता का आरोप है कि बेटी जब खेत पर काम कर रहे पिता के लिए खाना लेकर जा रही थी, तभी गांव के दो दबंगों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस से पिता ने मामले की शिकायत की और मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं किए जाने पर पिता अपनी पुत्री के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा और आरोपियों के ऊपर कार्यवाही करने की मांग को लेकर शिकायती पत्र सौंपा। वहीं पीड़ित द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गांव के ही दबंगों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस से शिकायत कर दी गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। इसी बात को लेकर आज पीड़ित परिवार एसएसपी से मिला है। नाम आपका? छोटी नाम है। छोटी, क्या समस्या आपकी, क्यों आई यहाँ पर? मेरे मम्मी पापा 8 तारीख का दिन था इस बार का। मेरे मम्मी पापा सुबह सुबह नराना गए थे, मैं 10 बजे खाना लेकर गई थी। वहाँ पर दो जने खड़े थे, फरीद और आस मोहम्मद। उन्होंने गलत निगाह से देखा। देखने के बाद तोरिया भरी, तोरिया भर के पीछे से बुलाया, छेड़छाड़ की, तोरिया भर के मेरी चिल्ली निकली। तो वो आ रहे थे रिजवान, उन्होंने बचाया मुझे। किसने? रिजवान। अच्छा, हाँ। फिर रिपोर्ट करी पुलिस ने आपने? हाँ करी। पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने रिपोर्ट लिखी हमारी रात के 11 बजे। अच्छा, 11 बजे लिखने के बाद वो केस चढ़ा 12-1 बजे। उसके बाद में सुबह को 64 के बयान कराए उन्होंने। उसके बाद में 1,00,000 रुपए लेकर वो छुट्टी पे चले गए थे। किससे ले 1,00,000 रुपए? किससे? इस रहील डॉक्टर से। अच्छा, लेके? हाँ, लेकर 1,00,000 रुपए छुट्टी पे चले गए वो। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब के जाती हो आप, कहाँ आई हो? कप्तान साहब से। क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते हैं कि उन्हें जेल हो जाए। किन्हें? इस फरीद को, आस मोहम्मद, इस रहील।